जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने रैंक पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, एसएससी वालों ने हम लोगों के साथ धोखा दिया है, हम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। दोस्तों, इस बात को कहते हुए कि एसएससी वालों ने धोखा नहीं दिया है, मेरे दोस्तों 45,000 के जगह वह 50,000 किया और हम लोगों ने इस बात को खुशी मनाया कि चलो यार 5,000 बच्चों का और रोजगार मिलेगा, 5,000 बच्चे और देश की सेवा करने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात को आज कहते हुए कोई भी कि यार दोस्तों ये हम लोग के साथ धोखा हुआ है, ये मुझे कोई भी अफसोस नहीं हो रहा इस बात को कहने में। मेरे दोस्तों, एसएसजीडी में कौन जाता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एसएसजीडी में कौन जाता है? क्या किसी विधायक का नेता जाते हैं, किसी मंत्री के नेता जाते हैं, कोई अफसर का बेटा जाता है एसएसजीडी में? मेरे दोस्तों, मिडिल परिवार के लोग, परिवार के जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोग के पास इतना क्षमता नहीं होती है कि इतने दूर दूर तक जा कर के पढ़ाई करें ताकि हम लोग जो है बड़े बड़े जगहों पर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें और हम लोग उसमें बड़े बड़े नौकरियों का सपना देखें। हम लोग का ये नौकरी का ये सपना होता है कि हम एक छोटे से एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग की सपना होती है किसी तरह से पहले सिलेक्शन लिया जाए ताकि अपने जो दयनीय स्थिति जो है उसको सुधार किया जाए। मेरे दोस्तों, ये बात एसएससी वालों नहीं जानते क्योंकि उनको एससी से बाहर फुर्सत मिलेगा तब तो देखेंगे। दिल्ली में बैठ करके एसएससी के ऑफिस में बैठ करके एसी के मजा के अलावा अगर धूप में कभी देखेंगे तब तो पता चलेगा उन्हें कि कैसे होती है। कभी आप लोगों ने रिजल्ट से पहले फिजिकल की डेट सुना है? फिजिकल की डेट कभी आती है? लेकिन मेरे दोस्तों देखिए, मैंने कल भी बताया था मेरे दोस्तों कि फिजिकल की डेट आई हुई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी मैं खोल रखा हूं दोस्तों, और मैं अभी भी यही बात बता रहा हूं कि हाँ आया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने अपने विश्वास और उम्मीद के साथ कहा था कि कल आने तो आज आ जाएगा, तो खिलवाड़ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है दोस्तों? एक दिन में कभी रिट कला फिजिकल होता है बताओ? एक दिन में कभी फिजिकल होता है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एसएससी वालों से पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसे एसएससी वालों तक पहुंचना चाहिए वीडियो। अगर मेरे दोस्त जो एसी में बैठ करके एसएससी के ऑफिस में बैठ करके जो मजे ले रहे हैं, अगर 10 मिनट अगर इस धूप में बच्चों के साथ अगर चला दिया जाए सिर्फ मात्र दोस्तों, मेरे दोस्तों तो पता नहीं कौन से अस्पताल में भर्ती होंगे, कोई नहीं जानता है। मेरे दोस्तों, ये दुख की बात निकल रही है मेरे से, खुशी से, और मेरे दोस्तों किसी भावनाओं में बहक कर बातें नहीं बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैं कई रिटर्न निकाला हूं, कई फिजिकल निकाला हूं दोस्तों, ग्राउंड पर मुंह के अंदर पेट में धूर कैसे जाता है ये हम जानते हैं, और ये मेरे दोस्तों को, मेरे साथी, मेरे भाई बहनों का दुख मैं समझ रहा हूं। एक दिन में मेरे दोस्तों कभी भी फिजिकल नहीं होता है। अगर ये चाहते हैं कि 14-15 अप्रैल को फिजिकल की डेट है और उससे एक दिन दो दिन पहले मैं क्या कर दूं, रिटर्न का रिजल्ट दे दूं और बच्चे जा करके 15 तारीख को फिजिकल में अपना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएं, क्या यह मुमकिन है दोस्तों? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, इसके जवाब आपको देनी है। मैं अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, आपको लड़ाई मेरे साथ लड़नी होगी, तब जा करके हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, एक दिन में कभी नहीं होता है, इसलिए मेरे दोस्तों आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के एसएससी से इस बातों को, इस सवाल का जवाब मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहता हूं कि आप खड़े हो तो मेरे एक एक खून जो है मेरे दोस्तों, एक शरीर का बूंद के खून तक लड़ते रहूंगा। मैंने इस चीजों को, उस तकलीफ को झेला हूं जो आप लोग झेल रहे हो। इसलिए दोस्तों, हम एक शौक से, मेरे दोस्तों इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरा उम्मीद के साथ कर रहा हूं कि एसएससी वालों ने धोखा दिया है हम लोग को, धोखा कर रहा है। मेरे दोस्त, इसकी लड़ाई लड़नी होगी हमें। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, उन लोगों से इनकी जवाब देनी होगी, या तो रिजल्ट आज और कल के बीच में दें या फिर उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए बच्चों के लिए समय देना पड़ेगा, ये मेरी मांग है, ये मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा उनको करना चाहिए। अगर रिटेन के रिजल्ट में अगर देरी करें तो उनको फिजिकल में समय बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में किसी भी बच्चा का फिजिकल 5 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, बच्चा मर जाएगा ग्राउंड पर दौड़ते दौड़।
ग्राउंड पर दौड़। मेरे दोस्तों, एससी में बैठे हुए व्यक्ति क्या जानेंगे, एसएससी में बैठे व्यक्ति क्या जानेंगे ग्राउंड में बच्चे कैसे दौड़ते हैं, कैसे उनकी शरीरों से, मेरे दोस्तों, जो आप लोग बोलते हो पसीना नहीं बहता है, मेरे दोस्तों उनकी खून बहती है, ब्लड बहता है उनके शरीर से। बच्चे की लगता है कि फट जाएगा, ये फट जाएगा सांस लेने बिना, लेकिन बच्चा हिम्मत नहीं हारता, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, इस लालच में दौड़ता है, क्योंकि उसको शौक नहीं है। दोस्तों, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि अपनी कष्ट जिंदगी बिताए, लेकिन वो अपने माँ बाप की कष्ट, अपने बहनों की कष्ट, अपने परिवार की कष्ट देखा है, इसलिए वो चाहता है कि हर हालत में मेरा फिजिकल निकलना चाहिए, हर हालत में रिटर्न निकलना चाहिए, और इसलिए वो ग्राउंड में अपना जी जान लगाता है, अपने मरने तक नहीं सोचता, अपने शरीर के लिए नहीं सोचता है दोस्तों। लेकिन ये जो एसी में बैठे हुए व्यक्ति है, ये नहीं समझ रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे ग्राउंड में, एक दिन निकल के देखो एसएससी वालों, एक दिन ग्राउंड में अपने बेटे को, अपने खुद तू निकल करके एक दिन ग्राउंड में एक चक्कर लगा के दिखा मुझे। मेरे दोस्तों, पता चला कि किस अस्पताल में भर्ती हो, एसएससी का तुम्हें एसी का पता चल जाएगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि उन व्यक्ति जो है ना एसी में बैठ करके, मेरे दोस्त, लोग भूल जाते हैं एक दिन वो काला, इसी तरह से वो भी बिलखा होगा जैसे आप बिलख रहे हो, या फिर बड़े बाप का बेटा होगा तो रुपया के घमंड पर उसे नहीं पता चला होगा। वरना अगर वो मिडिल परिवार से होता है एसएससी वालों के, जो आज बैठ करके एससीसी में और हम लोग के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर वो मिडिल परिवार से होता, बिलोंग परिवार से होता, पुअर फैमिली से होता मेरे दोस्तों, तो वो दुख जानता। लेकिन कुछ होते हैं तो भूल जाते हैं यार, पैसे के चक्कर में। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, जिंदगी किसी के मेरे दोस्तों भरोसे नहीं, कब कहाँ कौन सी हो जाएगा कौन जानता है, हैं? लेकिन लोग इस बातों को भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने पूरा प्रूफ के साथ में आया था कि हमें मांग करनी होगी कि जितना जल्द से जल्द रिजल्ट दें। अगर रिजल्ट में देरी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, उनसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि फिजिकल में बच्चों के लिए समय दिया जाए, फिजिकल के रनिंग के लिए बच्चों को समय दिया जाए, तब जाकर के बच्चा शौक से रनिंग निकाला, क्योंकि उसके शरीर में जज्बा है कि हमें देश का सेवा करना है। पर दोस्तों, देश के सेवा करने वाले बच्चों के साथ ऐसे गद्दारी करोगे आप लोग, तो कैसे बच्चा देश का सेवा करेगा। आप लोगों की वजह से सारे सिस्टम बदनाम हो जा रहा है एसएससी वालों। एसी में बैठ करके मत बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करिए। हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से कि अपनी पहचान के अनुसार, मेरे दोस्तों, अपनी उम्मीदों के अनुसार आप खड़े उतर करके बच्चों के साथ खिलवाड़ न करते हुए आप उनके रिटेल का रिजल्ट दीजिए और उन्हें फिजिकल के लिए स्वागत कीजिए। मेरे दोस्तों, ये जो बच्चे हैं, जो मेरे भाई बहनों हैं, ये देश के लिए सेवा करने वाले एक जवान बनने वाले हैं, जो कि अगर ये नहीं रहेंगे तो आप सुख चैन से भी नहीं काला दिल्ली में बैठ सकते हो, इस बात को रख लो। अगर ये नहीं जाएंगे बॉर्डर पर, ये नहीं देश का सेवा करेंगे, तो मेरे दोस्तों आप लोग भी चैन का रोटी नहीं खाएंगे, इस बात को याद करिए, भूलिए मत दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे एसएससी के ऑफिस तक पहुंचना चाहिए, वो ये बातें एसएससी को भी दुख लगना चाहिए, उन्हें भी बातों को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, नहीं समझेगा तो हम लोग समझाएंगे उन्हें, हर हालत में करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, आपकी साथ सहयोग चाहिए हमें, तभी जाकर के लड़ाई लड़ पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उन लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें इस वीडियो को, और मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे लड़ाई में मेरे साथ दें, जहां तक जाना होगा वहां तक अमित सर जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों।